दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव, बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। सबसे बड़ी न्यूज ये राजस्थान हाईकोर्ट से निकल के आई है कि कुछ लोग कह रहे थे कि इस भर्ती प्रक्रिया पे स्टे आएगा, कुछ लोग इस भर्ती प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों कल मैं खुद हाईकोर्ट में डबल एजी साहब से मिलकर गया, आज लंच में मैं मिला सुनवाई से पहले, और आज नतीजा ये निकला कि माननीय जज साहब ने जो आदेश दिए है कि जिन लोगों ने एनओसी नहीं ली है, जिन लोगों ने तथ्य छुपाए हैं, उन लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पे रोक रहेगी। इसके अलावा जिन लोगों ने एनओसी ले ली है और तथ्य नहीं छुपाए, वो लोग ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ये आज की सुनवाई में हुआ। दोस्तों मैंने पूर्व वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जज साहब ने जो 15 तारीख को सुनवाई थी उसमें वो नोट किया था कि जिन लोगों ने तथ्य छुपाया उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ये बात मैंने आपको पूर्व में बताई थी। हालांकि जो याचिका हमने लगाई थी उसमें हमारी यही थी कि जो पोस्ट अभ्यर्थी जिस जिलों को छोड़कर आते हैं उस जगह बेरोजगारों को समायोजित किया जाए, उस जगह बेरोजगारों को लिया जाए। लेकिन जिस प्रकार सुनवाई हुई, जिस प्रकार डब्ल्यूएजी साहब से उन्होंने पक्ष सुना, जिस प्रकार हमारे एडवोकेट से पक्ष सुना, तो सबसे बड़ी सवाल पे उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया जब जज साहब ने कहा कि ये जो 10 नंबर जो बिंदु है इसकी अवहेलना किन किन अभ्यर्थियों के द्वारा की गई है। रिपोर्ट हालांकि इनसे मांगी गई थी, रिप्लाई इनसे मांगा गया था सरकार के पास, लेकिन सरकार ने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है, जिसकी वजह से 4 सप्ताह बाद इस मामले की सुनवाई होगी। जो चयनित अभ्यर्थी है उनको कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश करेंगे कि स्टे ना आ जाए, कि कोई जाके स्टे ले लेगा। लेकिन एक चीज बता दूं, अभी अंतरिम स्टे है, अंतरिम रोक है, फाइनल फैसला नहीं है, और 4 सप्ताह बाद की बात कर रहे हो आप, तो बहुत जल्द स्कूलों में जाने वाले हो, इसलिए चयनित अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग आएंगे फेकू चंद आपको गुमराह करने के लिए, कुछ लोग आएंगे वीडियो बाज, कुछ लोग आएंगे ऑडियो बाज, हालांकि कुछ लोगों की कुछ दिनों से रोक लगी हुई है, उन पे भी हिस्से आया हुआ है। लेकिन कुछ लोगों की आदतें होती है कि बरसाती जो माहौल होता है जिसे टर की आवाज करते हैं, आपके पास आएंगे क्योंकि उनको तो व्यूज चाहिए, पैसे चाहिए। लेकिन हम लोगों को आपका विश्वास और प्यार चाहिए, जब आप लोगों तक बात पहुंचे। बात ऐसी है कि वो अभी भी जो फाइनल सुनवाई होगी, हमारा एडवोकेट हमारी तरफ से यही आर्ग्यूमेंट किए जाएंगे कि जो पोस्टेड अभ्यर्थी जहां सीट छोड़ के आते हैं उस सीट पर बेरोजगारों को लिया जाए, क्योंकि अब जो बाहर है कुछ नंबरों से रह गए वो बेरोजगार कह रहे हैं कि चाहे हमें बाड़मेर की सीमा पर, चाहे हमें जैसलमेर की सीमा पर नौकरी क्यों ना मिले, हम करेंगे, हमें नौकरी करनी है, लेकिन पोस्टेड अभ्यर्थी की वजह से जो सीट खराब हो रही है वो छोड़ के हमारे, वो खराब ना हो, हमें मिले, ये हमारे आर्ग्यूमेंट थे। लेकिन जो जज साहब ने जो निर्णय किया है, जज साहब ने पूरा परखा है, जज साहब ने पूरा जाना है, पूरे विज्ञप्ति को देखा है, विज्ञप्ति को देखने के बाद वो 10 नंबर बिंदु को देखा, तो उसमें अवहेलना पाई गई कि कुछ लोग तथ्य छुपा रहे हैं। तो उस तथ्य जो भवानी सिंह ओला ने भी एक याचिका लगाई थी, राजेंद्र कहार के नाम से हमने याचिका लगाई थी, उस याचिका में हमने प्रे किया गया था कि समायोजित किया जाए, बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। लेकिन दूसरे पर भवानी सिंह ओला ने जो याचिका लगाई थी, जिन लोगों ने तथ्य छुपाए थे उन्होंने एक मुकदमा भी दर्ज करवाया था सीकर में याचिका लगाई थी, तो वो तथ्य छिपाने वाले मामले पर जज साहब ने गौर किया और उस पर एक्शन लिया और कहा कि जिन लोगों ने एनओसी नहीं लिए, तथ्य छुपाए, वो जो पहले से पोस्टेड अभ्यर्थी है उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर हाल फिलहाल रोक रहेगी। लेकिन इस प्रश्न में पुनः बता दूं, लेवल प्रथम के 26,000 जो है उस पर नियुक्ति प्रक्रिया पर किसी प्रकार की रोक नहीं है, जैसा फैसला आएगा आते ही आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया हो जाएगी। हाँ एक चीज बता दूं, मैंने एक पोस्ट डाली थी, मुझे जब अफसोस होता है कि मैंने ट्वीट किया लेवल 2 एक बंद की जगह 2 लिख गया, उसको वायरल कर रहे, अरे वो गलती से लिख जाता है भाई, जल्दीबाजी में ट्वीट भी कुछ लिख, इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलतियां मेरे से भी हो जाती है, मैं भगवान थोड़ी हूं। लेकिन एक चीज और बता दूं आपको, मैंने कल एक ट्वीट और किया था, एक पोस्ट और डाली थी, इस वीक में फैसला आने की पूरी संभावना है, यदि 1% नहीं आए तो अगले वीक में आएगी, ये वीक चल रहा है, क्योंकि मैं कल मैं खुद कोर्ट में गया था, वहाँ डब्ल्यूएजी साहब के एजी साहब के वहाँ मिला, तो वहाँ जानकारी के बाद मैंने आप लोगों को बताया, मैं जज साहब कहूँ नहीं कि फैसला मैं लिख रहा हूँ तो मुझे पता चलेगा कब आ रहा है, लेकिन सोर्स के अनुसार, जानकारी के अनुसार सब लोगों ने कहा कि पूरी संभावना है, तो वो संभावना मैंने आप लोगों के सामने व्यक्त की थी, बताया था, और अभी भी कह रहा हूँ पूरी संभावना इस वीक की है। यदि 1% इस वीक में नहीं आता तो आने वाला वीक 3 तारीख के बाद दूसरा वीक शुरू हो जाएगा, उस वीक में तो 100% आ ही जाएगा, हमने इतना इंतजार कर लिया। आपको पता है आपकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर आज ये 9वां महीना है और अब अंतिम समय आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया का चल रहा है, जल्दी ही फैसला आएगा, जल्दी आप स्कूलों में होंगे, इसलिए आप लोग संयम बनाए रखें। और जो पोस्टेड अभ्यर्थी है, हमारी कोई मंशा नहीं थी, क्योंकि मुझे भी इस बात का दुख है कि जो जैसलमेर बाढ़ में कई लोग लगे हुए हैं वो वहां से आना चाहते हैं, कहते काला पानी की सजा, तो हमारी प्रेयर, हमने तो यही कहा था कि पोस्टेड अभ्यर्थी की जगह बेरोजगार हो गया, लेकिन जज साहब ने जो
सोच समझ के निर्णय लिया जो फैसला साहब का था, और ये जरूर है कि इस निर्णय से बेरोजगारों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो मिशन हमने 7 जून को स्टार्ट किया था, 7 जून को जो हम लोगों को 86 लोगों को अशोकनगर थाने में हिरासत में रखा, हमने बाद में याचिका लगाने का निर्णय लिया और वो निर्णय शायद आज का सही साबित हो रहा है। कई बेरोजगारों को इसका फायदा होगा, कई बेरोजगारों का भविष्य बनेगा और कई लोगों की जिंदगी बनेगी। आज साहब जो न्याय कोर्ट से हमें न्याय मिला है, कई बेरोजगारों को खुशी आएगी जो कुछ नंबरों से रह गए। लेवल प्रथम के लिए अच्छी खबर है, लेकिन लेवल टू की बात कर लेते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि 5 तारीख तक सभी जिला परिषद के सदस्यों से पूरा डेटा मांगा गया है, 5 तारीख के बाद ही रिसेप्शन और वेटिंग, सरकार इसमें नियम भी बना रही है हमेशा के लिए किस प्रकार हमें द्वितीय वरीयता सूची जारी करनी है, लेकिन संभावना यही है कि रिसेप्शन पहले जारी होने की संभावना है, उसके बाद वेटिंग। लेकिन मेरा मानना यही है कि रिसेप्शन और वेटिंग, रिसेप्शन वालों को तो कम से कम जल्द से जल्द जॉइन दो तुरंत अपराध, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वेटिंग भी 7 होनी चाहिए। दोस्तों मैंने आप लोगों की बात रखी है, लेकिन वेटिंग वालों को थोड़ा फायदा इसलिए होगा क्योंकि रिसेप्शन में काफी लोग जैसे 387 संस्कृत के थे उसमें करीब 300 लोगों ने पहले ऑलरेडी पोस्टिंग ले रखी है दूसरे विषय में, तो दस्तावेज सत्यापन होंगे रिसेप्शन वालों के 2100 को, तो काफी लोग करीब 2100 में से 1500-2000 लोग ऑलरेडी पोस्टेड है, वो लोग दस्तावेज सत्यापन में बाहर हो जाएंगे, तो वेटिंग में काफी अभ्यर्थियों को मौका होगा और काफी कट ऑफ नीचे जाएगी, काफी लोगों का भविष्य बनेगा। तो हर चीज का मद्देनजर रखते हुए सरकार विचार कर रही है, सभी कोर्ट प्रकरणों की सूची मांगी है, 5 तारीख तक जिला परिषदों की बीकानेर में मीटिंग है, उसके बाद स्पष्ट नियम हो जाएगा। दोस्तों इसी कड़ी में मैं बता लेवल फर्स्ट के बारे में आपको बता दिया, लेवल टू के बारे में आपको बता दिया, और अब पोस्टेड वो टीम मेरे साथ मौजूद है, ये राजेंद्र कहर है जो लगातार इसने 1.5 लाख आंकड़ों में से वो पोस्टेड अभ्यर्थियों की सूची बनाई, एक लैपटॉप में लगातार मेहनत की, इसकी जो मेहनत को मैं सलाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। ये भवानी सिंह ओला है, सिकर से है, ये राजवीर जी है, ये रामदेव बाबा है, जो बाबा 31 को आजकल रूप में बाबा ही कहने लगे, ये पोस्टेड ये जेरा कसा रहा है जो मेरे पीछे है, लगातार ही लोगों ने मेहनत की थी जो आंकड़े जुटाए थे, इनका उद्देश्य यही था। मेरा भी उद्देश्य, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि मैं आने वाली सरकार से भी मांग कर रहा हूँ, मैंने जो 12 सूत्रीय मांग दी थी उसमें लिखा है साहब कि भविष्य में होने वाली भर्तियों में सम्मान पद पर प्रतिबंध जिलों या डार्क जोन को छोड़कर एक अभ्यर्थी को बार बार नियुक्ति नहीं दी जाए, क्योंकि एक व्यक्ति बार बार ज्वाइन करता है सीटें छोड़ता है बार बार, इसी बेरोजगार को मौका मिलेगा तो कहीं ना कहीं एक परिवार जिसको मौका मिलेगा उसका भविष्य उज्ज्वल होगा। इसी क्रम में मैं राजेंद्र जी से कहना चाहूंगा, संक्षिप्त वीडियो लंबा हो गया, दो अपने विचार ये सब रखे हैं। आज की कोर्ट की सुनवाई में जो वेटिंग वाले अपडेट कह रहे हैं कि इसकी आ गया, मतलब कुछ देखा था कि वेटिंग कैसी आएगी, एक्चुअली ये फैसला ही था, जज साहब आज फैसला ही सुनाने जा रहे थे, लेकिन जब सरकारी वकील ने यह कहा कि हम एक बार ये देखेंगे कि कितने अभ्यर्थियों ने आंकड़े जो है तथ्य छिपाए हैं, तो जज साहब ने कहा कि आपको कितना समय चाहिए, 1 दिन 2 दिन कंटिन्यू रख लेते हैं, उन्होंने कहा कि समय लगेगा चेक करने में, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप बता दीजिए कितना समय चाहिए वरना मैं तो फैसला आज देता हूँ। जज साहब बिल्कुल आज फैसला देने जा रहे थे, लेकिन सरकारी वकील ने ये कहा कि हमें समय चाहिए कि हमें पता करना है कि कितने व्यक्तियों ने तथ्य छिपाए हैं ताकि हम उनको रोक पाए। फाइनली स्टे का मतलब ये नहीं कि कल को स्टे आने के बाद फैसला ये होगा, कि फैसला हो चुका है तथ्य वाले जो नहीं कर पाएंगे, स्टे इसलिए है कि गवर्नमेंट को ये देना है कि कितने लोगों ने जवाब छिपाए हैं। जिन लोगों ने तथ्य नहीं छिपाए हैं उन लोगों को, जिनकी NOC है तथ्य नहीं छिपाए हैं वो पोस्टेड ज्वाइन कर सकता है। स्टे का फाइनल फैसला 4 वीक के बाद ओपन हो जाएगा और फैसला यही ओपन होगा, जिसने तथ्य छिपाया है NOC नहीं है वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा, और जिसके पास है वो ज्वाइनिंग के टाइम NOC दिखाकर ज्वाइन कर सकता है। दोस्तों मैंने एक मैसेज और देखा था अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर कि अभी जो जिन लोगों ने जिन्होंने NOC छुपाई है, जिन्होंने तथ्य छुपाए है, वो जाके भर्ती प्रक्रिया भी स्टे ले लेंगे। अरे मूर्ख हो, जब लेव एकल पीठ में निर्णय नहीं हुआ, अंतरिम आदेश है, सबसे पहले तो आपको उस स्टे को तोड़वाने के लिए बहस करनी होगी, और स्टे कब टूटेगा, फाइनल फैसला होगा, तो आपको फाइनल फैसला 1 सुनवाई या 2 सुनवाई कितनी भी हो सकती है तब होगा, तो 4 सप्ताह बाद तो आप चाहे डबल बेंच की बात हो चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पहले यहाँ एकल पीठ में लड़ना होगा। आप तो जब तक 4 सप्ताह का इंतजार करो तब तक इन लोगों की काफी नौकरी हो जाएगी, स्कूलों में होंगे, चयनित अभ्यर्थियों को किसी को भी कोई नुकसान नहीं होने देंगे, मेरा वादा है, स्कूलों में जाएंगे, लेकिन कुछ लोग आपको परिमित करेंगे। चयनित इसमें रेस्पोंडेड जो पोस्टेड हैं वो अब इसमें रेस्पोंडेड बन ही नहीं सकते, जो पोस्टेडों को हमने ऑलरेडी इसमें पोस्टेडों को रेस्पोंड बनाया था, 2 जुलाई 2018 की रिट हमारी फाइल थी, अब तक एक भी पोस्टेड की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो जज साहब ने साफ मना कर दिया, 7 महीने से किसी रेस्पोंडेड का कोई रिप्लाई नहीं आया, अब वो कोई रिप्लाई फाइल नहीं कर सकते, तो 4 वीक के बाद डायरेक्ट फैसला आएगा। भाई मैं तो बस जो कहना है तो उपेन भाई ने और राजेंद्र कहा सब कुछ कह दिया, मैंने तो एक ही बात पोस्टेड भाई कही थी, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, अब जो मैंने कर दिया अब आप इनके साथ ज्वाइन कर लेना, मैंने कहा ना कि ज्वाइन नहीं कर सकोगे आप, अब नहीं करोगे आगे क्या होता आगे देख लेना, ठीक है, मुझे ट्राई करना है।
मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने एनएफसी छुपाई है, सत्य छुपाए है, उन पे अंतरिम रोक आ चुकी है, तो इसलिए वो तो जाएंगे नहीं, जितना हो सके जितना जितनी जगह खाली होंगी और बच्चों का फायदा होगा, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। पोस्टेड मैटर के अलावा जो अन्य भाई है 26,000 उनको किसी प्रकार के जो चयनित है 26,000 उनको किसी प्रकार घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चयनित है उनकी नियुक्ति होगी सिर्फ पोस्टेड को छोड़कर। पोस्टेड जो एनओसी जिन्होंने नहीं ली है उनकी जरूर रोक लगाई गई है, जो की बात सही है और मैं खुद चयनित हूँ और मैं सभी हमारी जीत बहुत जल्दी होगी। दोस्तों एक चीज और बता दूं, चयनित अभ्यर्थियों के लिए मैसेज यही है, हर रणनीति मेरी तैयार है, हर विपक्ष की चाल पे मेरी नजर है, चाल हमारी कामयाब होगी, नौकरी आप करोगे, स्कूलों में जल्द आप जाओगे, जब आपको आवाज दो आपको जयपुर आना है, पूरी तैयारी जश्न के साथ, मिठाइयों के साथ, आदेश के साथ, क्योंकि उसी दिन आदेश होंगे, दूसरे दिन आप स्कूलों में जाओगे, लेकिन उस दिन आप लोगों को इसलिए आना होगा कि हम सरकार की मदद से, मुख्यमंत्री की मदद से, उप मुख्यमंत्री की मदद से, शिक्षा मंत्री की मदद से उन अधिकारियों को पाबंद करवाकर कि जिससे दूसरे दिन ही सभी चयनित अभ्यर्थी स्कूलों में हो और कोई जो विपक्ष जो सोच रहा है सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाए उनकी मंशा नाकामयाब हो। बस इंतजार है कुछ दिनों का, एक कदम जॉइनिंग से आप दूर हो और वो कदम जल्द आप मंजिल तक आपका पहुंचेगा और जल्द आपके चेहरे पर खुशियां होंगी, जल्द आपको मंजिल प्राप्त होगी। बाबा तुम बाबा 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 जय राम जी।